Hello students, how are you? Today we are going to start our next lecture. In the first lecture, we discussed about the novel Inside the Haveli written by Rama Mehta. Rama Mehta was a sociologist and she wrote about the plight of women in the contemporary society. Today, we are going to discuss about the main parameters of the novel. As you know, that we have discussed introduction of the author and introduction of the novel. आज का हमारा मुख्य विषय है प्लॉट. एक नॉवल के अंदर जो मुख्यतः नॉवल के बारे में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, नॉवल इज ए वेरी लॉन्ग स्टोरी. सो इन दैट लॉन्ग स्टोरी देर आर मैनी इवेंट्स एंड दैट इज कॉल्ड प्लॉट. So, write down all of you, take your register, pen and pencil. So, the first question is, what is a plot? Plot is in a literary work, film, story, or the other narrative. The plot is the sequence of events where each affects the next one through the principle of cause and effect. इसका मतलब ये हुआ कि प्लॉट उस लंबी कहानी के अंदर घटने वाली घटनाओं और एक घटना का दूसरी घटना के क्या साथ क्या संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट का इसमें वर्णन होता है प्लॉट के अंदर. यानी एक घटना दूसरी घटना के साथ जुड़ी होती है. द कैजुअल इवेंट्स ऑफ ए प्लॉट कैन बी थॉट ऑफ एज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स लिंक्ड बाय द कनेक्टर एंड सो ऑन. इसका मतलब ये हुआ कि जो कैजुअल इवेंट्स हैं वो दूसरी इवेंट्स के एक सीरीज के रूप में, एक घटना के साथ दूसरी घटना के साथ तीसरी घटना जुड़ी होती हैं. सो प्लॉट्स कैन वेरी, वेरी मीन्स भिन्न भिन्न, वी ए आर वाई, वेरी मीन्स वी ए आर वाई. सो प्लॉट्स कैन वेरी फ्रॉम द सिंपल such as in a traditional ballad to forming complex interwoven structure with each part sometimes referred to as a subplot. So यह एक तरह से एक तरह का traditional ballad होता है. Ballad की spelling है B-A-L-L-A-D. So what is ballad in simple words? So write down, a ballad is a song that tells a story and it can be dramatic, funny or romantic. You can find ballads in a variety of musical styles from country western to rock and roll. So, इस तरह से जो plot, जो एक घटना के दूसरी घटनाओं के साथ जुड़ी हुई श्रृंखला को plot कहते हैं. अब आते हैं हम हमारे जो कक्षा 12 में जो नॉवल इंग्लिश लिटरेचर में जो हमने पढ़ना है वो है इनसाइड द हवेली रिटन बाय रमा मेहता. इसके अंदर क्या प्लॉट है आइए हम इसमें देखते हैं. सो द नॉवल प्रेजेंट्स द सागा, एस ए जी ए, सागा मीन्स लॉन्ग स्टोरी.
द नॉवल प्रेजेंट्स द सागा ऑफ गीता एन एजुकेटेड लिवली एंड स्पॉन्टेनियस बॉम्बे गर्ल हु एंटर्स द हवेली एज द ब्राइड ऑफ अजय सिंह। गीता एक बॉम्बे में पली हुई पढ़ी लिखी लड़की है, जो उसी की लंबी कहानी है इसके अंदर, जो अजय सिंह के साथ शादी करके और महल में आती है, उदयपुर के महल में। गीता फाइंड्स इट हार्ड टू एडजस्ट एंड अडेप्ट हरसेल्फ टू द रिग्रस एंड कन्वेंशनल वेज ऑफ द हवेली। गीता को प्रारंभ में बड़ा मुश्किल लगता है कि वहाँ जो हवेली की जो बहुत ही कठिन जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करने में, उनके हिसाब से जीने में। इन विच वीमेन ऑब्जर्व पर्दा, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पर्दा करती हैं, मतलब उस समय हमारे समाज के अंदर पर्दा सिस्टम था, पर्दा प्रथा। गीता फाइंड्स हरसेल्फ एंट्रैप्ड एंड एनकेज्ड इन ए वास्ट हवेली, बहुत बड़ी हवेली के अंदर गीता ऐसे अपने आप को महसूस कर रही है जैसे बहुत बड़े पिंजरे में बंद हो गई हो। एनसर्कल्ड ऑल द टाइम बाई वीमेन, पूरे समय महिलाएं उसको घेरे हुई रहती हैं, तो ऐसे लगती है कि वो उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल ऐसे पिंजरे में बंद हो गई हूँ। सी इज कंडेम्ड टू ए लाइफ ऑफ सेल्फ डिनाइल आइसोलेशन एंड अटर डिस्ट्रेस ड्यू टू द फॉल्ट फाइंडिंग नेचर ऑफ हर मदर इन लॉ एंड अदर वीमेन इन द हवेली। वो एक ऐसे जो जिंदगी है, ऐसी लाइफ है, उसको कंडेम करती है, उसकी वो निंदा करती है कि वहाँ जो उसकी मदर इन लॉ है, जो उसकी सास हैं और जो दूसरी महिलाएं हैं, जो मेड सर्वेंट हैं, या दूसरी जो महिलाएं जो उसके पूरी फैमिली में, जो चाचा ससुर, उनकी वाइफ्स, बहुत सारे जो लोग, जो महिलाएं हैं, वो सभी फॉल्ट फाइंडिंग हैं, दूसरों के अंदर गलतियां निकालने का उनका स्वभाव है। तो क्योंकि वो पुराने विचारों की महिलाएं हैं, गीता बीइंग एन इंडिपेंडेंट न्यू वूमेन, गीता एक ऐसी औरत है जो नई है और आज़ाद विचारों की, ख्यालों की लड़की है, महिला है। इनिशियली स्ट्रगल्स टू मेंटेन हर इंडिविजुअलिटी इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ द हवेली, बट ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू एडमायर इट्स ट्रेडिशंस एंड एक्सेप्ट्स द वार्म अफेक्शन ऑफ द पीपल। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में तो उसको अपनी जो व्यक्तिगत पहचान है उसको मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे गीता भी वहाँ की जो परंपरा है उसकी प्रशंसा करने लग जाती है, और जो लोग उसको बहुत ही वार्म अफेक्शनेट, बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं, तो उससे वो प्रभावित होकर के गीता को भी वो पारंपरिक जीवन, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ अच्छा लगने लगता है। गीताज प्रोग्रेसिव थॉट्स हेल्प टू ऑब्टेन टू इम्पॉर्टेंट अप्रूवल्स फ्रॉम द कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ अदर ऑफ हर हस्बैंड। गीता उसके पति के परिवार के जो बहुत ही पुराने विचारों का परिवार है, या सामंतवादी या दकियानुसी या ओल्ड फैशन या ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो पारंपरिक विचारों का जो परिवार है, जब गीता की दो बातों को सहमति मिलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। दीज अप्रूवल्स आर द राइट ऑफ द गर्ल टू एजुकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ हर क्लास एंड द राइट ऑफ द मदर टू हैव ए से इन द मैरिज ऑफ हर डॉटर। बहुत बड़े दो विचार हैं जो माने जाते हैं कि आप एक तो लड़कियों को पढ़ाने का विचार, और एक दूसरा जब लड़की की शादी की जाए तो उसकी मदर की सहमति, ताकि बाल विवाह की जो प्रथा है उसको रोका जा सके। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो आगे हम इसमें चैप्टर वाइज आगे जब स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज डिटेल स्टडी करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से उस समाज के अंदर फैली पर्दा प्रथा और उस समाज के अंदर फैली बाल विवाह, ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, सोशल इविल हैं, गीता ने आकर के कैसे वहाँ रॉयल फैमिली में अपने विचारों को मनवाया। दिस वॉज टू प्रेजेंट चाइल्ड मैरिज विच हैज़ ए हाई अप्रूवल ऑफ सोसाइटी। सो गीता
गीताज एडेप्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज एंड फॉरबियरेंस हेल्प टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो किस तरह से गीता वहाँ पर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करती है, किस तरह से एडेप्टेबिलिटी वहाँ अनुकूलनता पैदा करती है, और किस तरह से वो जो दो विचारधाराएं हैं जो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, आधुनिकता और पारंपरिकता में किस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है किस तरह का जो द्वंद्व है, उसमें वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करती है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है। द कंसर्न एंड केयर ऑफ हर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑल्सो हेल्प हर टू एक्वायर दिस एमलगमेशन, कि उसके हस्बैंड की केयर और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी केयर के कारण ये एक तरह से वहाँ जो एडजस्टमेंट है वह बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट हो जाता है गीता का, और किस तरह से वो आधुनिक विचारों की लड़की किस तरह से पारंपरिक विचारों वाले परिवार में अपने आप को एडजस्ट कर पाती है। गीता एप्रिशिएट्स द लाइफ इन द हवेली, एडजस्ट हर सेल्फ टू इट एंड बिकम्स इट्स मिस्टर। सो किस तरह से गीता वो हवेली की लाइफ को पसंद करती है और किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करती है, और इस तरह से वो हवेली की लाइफ को एप्रिशिएट करती है, उसकी प्रशंसा करती है, वो मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन में एक कॉम्प्रोमाइज़, एक कोरिलेशन देखती है और इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो ये इस पूरी जो स्टोरी है इनसाइड द हवेली, इस तरह से ये एक प्लॉट है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो हम आगे आने वाले लेसन्स में ये देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक आउट योर रजिस्टर एंड पेंसिल एंड राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स एंड राइट ए क्वेश्चन, व्हाट इज ए प्लॉट इन अ स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच।